होली और शबे बारात एक ही दिन होने के कारण अयोध्या जिला प्रशासन अलर्ट है और जनपद के सभी थानों में दोनों समुदायों के लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठकें की जा रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्वक अपना अपना त्योहार मनाएं। दरअसल 7 मार्च की देर रात होलिका दहन होगा और 8 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन मुसलमानों का त्यौहार शबे बारात भी है जो रात में अपने पूर्वजों की कब्र पर कैंडल जलाते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। अयोध्या जिले में 2195 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी ने बताया, परंपरागत रूप से जहां पर होलिका दहन होता रहा है वहां पर ही होगा। होलिका दहन स्थलों पर शबे बारात को लेकर कब्रिस्तान के आसपास फोर्स तैनात रहेगी। होली और शबे रात को लेकर के आज शांति समिति की बैठक कोतवाली नगर अयोध्या में यहाँ आयोजित की गई, जिसमें सम्मानित सीओ साहब उपस्थित हैं, सभी एसएचओ साहब हैं, सभी आईसी हैं और संभ्रांत व्यक्ति यहाँ नगर के सब आए हुए हैं। सभी के साथ ये वार्ता की गई, सभी लोग गंगा यमुनी तहजीब के अनुसार होली भी मनाएंगे और शबे रात भी मनाएंगे। जहाँ कहीं भी किसी समस्या को यहाँ बताया गया उन सबका निस्तारण भी किया गया है। आगे भी हम लोग सतर्क दृष्टि रख के त्योहार को सकुशल संपन्न कराएंगे। परंपरागत रूप से जहाँ होली होती आई है, होलिका दहन जलता आया है, वहीं पे होलिका दहन होगा और उसके लिए हम लोग फोर्स भी लगा रहे हैं और सबसे बात भी कर लिया है। सब आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए होलिका दहन मनाएंगे, कोई दिक्कत।